बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद अब जो जिस तरह से चर्चा हुई, जिस तरह से बड़ी परेशानी वहां हुई विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पहली बार भाजपा का कोई प्रत्याशी मैदान में था और उसे जीत भी मिली, लेकिन लालू प्रसाद यादव अचानक से चर्चा में आ गए। सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट किया कि भाजपा के कुछ विधायकों के पास, लालू प्रसाद यादव वहाँ जेल से फ़ोन कर रहे हैं और धमका रहे हैं वोट नहीं करने के लिए। बड़ी बात यही है, आज ये आपने खबर पढ़ ली होगी, अब इसमें चर्चा ये होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव ने आखिर भाजपा के विधायक को क्यों फ़ोन किया। ललन पासवान जो आरोप लगा रहे हैं, आखिर उनके पास ही क्यों फ़ोन किया, उनके पास ये फ़ोन गया और कहा गया कि आप आज भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जो चुनाव हो रहा उसमें भाग न लें। विजय कुमार सिन्हा भाजपा की तरफ से थे, तो क्या माना जाए, लालू प्रसाद यादव ने केवल ललन पासवान को ही फ़ोन किया या भाजपा के अन्य विधायकों को भी फ़ोन किया है? अगर किया है तो उन्होंने बताया नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी में टूट की बात सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि सुशील मोदी इस ऑडियो, इस ट्वीट को के जरिए ये संदेश देना चाहते होंगे कि भाजपा में कुछ गड़बड़ है, अगर उसको ठीक कोई कर सकता है तो सुशील मोदी कर सकते हैं। सुशील मोदी जिस तरीके से दरकिनार किए गए, और ये विधायक सुशील मोदी के पास ही बैठा था, अगर ये ललन पासवान सुशील मोदी के पास बैठा था तो क्या कर रहा था, क्या वहाँ पर क्या गेम हो रहा था, क्या बातें हो रही थी या मेलजोल हो रहा था? हालांकि जब ये बात सामने आई तो वहाँ पर ललन पासवान ने कहा कि हमको लगा कि सबने चुनाव जीतने के बाद हमको बधाई दी थी, मेरे पीए ने फ़ोन उठाया, बताया कि लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं, मैंने उन्हें प्रणाम किया, चरण स्पर्श भी किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर वे कहने लगे कि हमारा साथ दो, स्पीकर को गिराना है, सरकार को गिराना है, आगे बढ़ाएंगे, मंत्री बनाएंगे। मंत्री बनाने की बात जो है वो कई दिनों से चर्चा में है। कभी तेजस्वी यादव के बारे में बोला जाता है कि वो जदयू के कुछ लोगों को मंत्री बनाने की बात करते हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं। वहीं चर्चा आती है कि मांझी और मल्लाह की पार्टी को भी डिप्टी सीएम का ऑफर मिलता है। मंत्री और डिप्टी सीएम का जो पद है बिहार में वो कई पार्टियों में घूम रहा है। कौन वो लोग हैं जो जल्द ही पाला बदल करके दूसरे पाले में जा सकते हैं, वो कौन लोग हैं जो विजय सिन्हा को नहीं जिताना चाहते थे, या अभी गेम पूरा हुआ नहीं है, या खेल अभी बाकी है और खेल आगे भी और बढ़ने वाला है। हालांकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन अब ये मांग उठने लगी लालू प्रसाद यादव को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए। अब ये डर बीजेपी को ज़्यादा परेशान कर रहा है कि लालू प्रसाद यादव सीधा बीजेपी के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या वो विधायक कहीं ना कहीं से लालू प्रसाद यादव की तरफ फेवर में है, या वो आने वाले दिनों में कुछ खेल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं होती रहेंगी और लगातार हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का अचानक से चर्चा में आना कई सारे समीकरण को बल मिल रहा है, तूल दिया जा रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ नया खेल देखने को मिल सकता है। अभी तो विधानसभा अध्यक्ष के वोटिंग में 126 वोट मिला है एनडीए को और 114 वोट मिला है महागठबंधन को, तो एक वोट की वृद्धि हुई है एनडीए के साथ और 4 वोट की वृद्धि हुई है महागठबंधन के साथ। कई सारे समीकरण इन वोटों के द्वारा देखे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि आखिर ये 4 वोट एनडीए को महागठबंधन को कहाँ से अधिक मिला और 1 वोट एनडीए को कहाँ से अधिक मिला। तमाम सारे सवाल पर जवाब अभी नहीं आया है, लेकिन विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया है। पोल टॉक पर लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।